सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर है उनमें से 85% मेरी ऑडियंस रेगुलर वीडियोस को नहीं देखते। तो यार तुम लोगों से सही कह रहा हूँ यार, मतलब बुरा लगता है। मेरी जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो सब मेरे एक फैमिली मेम्बर की तरह है। तो यार बस तुम लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी तुम लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यार तुम लोगों में से कई सारे मेरे ऐसे भाई है जो वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों से भी बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे शेयर कर दो। तो अभी बात करते हैं पोको की, उसके बारे में तो खुद मैं कंफ्यूज था कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया इसके दो राइट आंसर हैं, एक है स्टारियो और एक है स्टारमी। और जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया उनके नाम है ये। तो मेरी तरफ से इन सबको मेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और तो आज का पोको क्यूज है कि बताओ कि ये कौन सा पोकेमोन है। तो तुम लोगों के पास है से 5 सेकेंड। वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो आज मेरे पास आप सबके लिए एनिमे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है और पोकेमोन के बंधन को लेकर भी फिर से एक न्यू अपडेट आ रही है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और डोरेमोन के रिलेटेड भी कुछ अपडेट आ रही है तो इसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या करो यार, वीडियो को एक लाइक कर दो। और आज का लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक। आई नो कि आप लोग इस लाइक टारगेट को जरूर से कंप्लीट कर देंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। और तुम लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो क्या करो यार, जाओ जाके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तुम लोगों को मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइज, हमारी अगली अपडेट आ रही है डोरेमोन को लेकर। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि पिछले 15 साल से भी ज़्यादा टाइम से सोनल कौशल मैडम ऑफिशियली डोरेमोन की हिंदी वॉइस एक्टर थी और उन्होंने डोरेमोन की सीजन 16 तक की हिंदी डबिंग की है। लेकिन किसी रीज़न की वजह से अब सोनल कौशल मैडम डोरेमोन की हिंदी वॉइस एक्टर अब नहीं रही, और जो अब ऑफिशियली हिंदी वॉइस एक्टर है ऑफ डोरेमोन उनका नाम है समृद्धि शुक्ला मैडम, और ये अभी ऑफिशियली डोरेमोन की सीज़न 17 को डब करने वाली है। तो शायद अभी हमें डोरेमोन की आवाज़ में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। वेल देखते हैं कि आगे इनकी डबिंग कैसी रहती है, आखिर डोरेमोन के एपिसोड्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। सो गाइज, अभी बात करते हैं पोकेमोन सीजन 30 को लेकर। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मंडे से पोकेमोन सीजन 30 हमें फिर से देखने को मिलेगा, लेकिन अभी सीजन 40 की थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हो चुकी है, क्योंकि अभी हमें पोकेमोन देखने को मिलेगा दोपहर 12:30 एक एपिसोड और 3:30 एक एपिसोड, और फाइनली 5:30 हमें देखने को मिलेंगे 2 एपिसोड, वो भी सिर्फ मार्वल्स के ऊपर। पता नहीं यार आखिर हमें कब सीज़न 40 देखने को मिलेगा मार्वल्स के ऊपर। वैसे काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सीज़न 40 को लेकर कुछ न्यू अपडेट आई है कि नहीं, अगर आई है तो मुझे बताओ। तो सीज़न 40 को लेकर छोटी सी अपडेट आई है कि सीज़न 40 मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज़ की पूरी हिंदी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखते हैं आखिर हमें सीज़न 40 कब देखने को मिलेगा मार्वल्स के ऊपर या फिर हंगामा पर, देखते हैं किस चैनल पर आता है। सो गाइस, अभी मेरे पास आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोग हमारे चैनल पर किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि गाइस मैं लिटरली कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ मैं आखिर किस तरह के वीडियोज़ अपलोड करूँ, क्योंकि अभी पोकेमोन की अपडेट्स आना थोड़ी बहुत बंद हो गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, क्या गैलरजन के एपिसोड्स हिंदी डबिंग में देखना चाहते हैं या फिर पोकेमोन के गेमिंग के रिलेटेड कुछ वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो गाइस, ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज़ के रिलेटेड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कब आएगा ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज़, कब देखने को मिलेगा हिंदी डब में, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है विद कोलैब वीडियो विद एनिमे निंजा। तो इसके टोटल 2 पार्ट होने वाले हैं, तो पहले पार्ट एनिमे निंजा के चैनल पर आएगा और दूसरा पार्ट मेरे चैनल पर आएगा, तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, अभी बात करते हैं बेब्लेड के बारे में। तो काफ़ी टाइम से बेब्लेड को लेकर कुछ न्यू अपडेट नहीं आ रही थी, तो अभी बेब्लेड को लेकर एक न्यू अपडेट आई है कि अब से हमें बेब्लेड सीजन 1 देखने को मिलेगा इंडिया में। लेकिन 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 तुम लोगों के खुश होने से पहले ही मैं बता दूं कि हमें बेब्लेड अभी टीवी पर देखने को नहीं मिलेगा, वो देखने को मिलेगा हमें बेब्लेड की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाकर आप लोग बेब्लेड के एपिसोड्स इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं बेब्लेड की मांगा सीरीज़ के बारे में। तो हाल ही में बेब्लेड की एक न्यू मांगा सीरीज़ रिलीज़ हुई है और बहुत ही कमाल की सीरीज़ है, और अगर आप लोगों ने उस सीरीज़ को नहीं देखा और आप बेब्लेड के फैंस हैं तो मैं कहूँगा आप बेब्लेड के फैंस बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कमाल की सीरीज़ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि आप लोग जाके ज़रूर देखिए।
सो गाइस, अगर आपको बेबलेट मांगा सीरीज की हिंदी रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, अभी बात करते हैं पोकेमॉन मूवीज धमाके को लेकर। तो आज यानी कि 26 अगस्त हमें देखने को मिलेगा पोकेमॉन मूवी मायाजाल का उस्ताद, और कल यानी कि 27 अगस्त को हमें देखने को मिलेगा पोकेमॉन मूवी डियोक्सिस और टोरी की स्टोरी। बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोग इसको जरूर देखना, मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है पोकेमॉन की। और 20 अगस्त को हमें देखने को मिलेगा, वेल अभी तो शेड्यूल अपडेटेड नहीं हुआ, लेकिन शेड्यूल अपडेटेड होते ही मैं आपको इंस्टाग्राम में बता दूंगा। तो इसलिए मैं जाइए मुझे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आप लोगों को मिल जाएगा। सो गाइस, होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जल्द से जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन।